नमस्ते मेरे छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा के 10वीं पाठ क्रमांक 2 आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जैसी एक कहानी है जिसकी विधा है संवादात्मक कहानी और कहानीकार है गुरुबच्चन सिंह। कहानी का गुरुबच्चन सिंह ने हमारे सामने बहुत ही उद्देश्यपर यह कहानी बनाई है। पहला उद्देश्य उनका यह है कि हम अगर किसी को वचन देते हैं तो उसे निभाना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य यह है कि कोई भी प्राणी हमारे फायदे का होता है तो उसे बड़े लाल पाल से पालते हैं, लेकिन वही प्राणी हमारे लिए निरुपयोगी होता है तो हमारा व्यवहार उसके लिए अधिक बदल जाता है। तो ये न करते हुए कहानी का कहना है, भले ही हमारे प्राणी निरुपयोगी क्यों ना हो, बट हम उसे बहुत लाल पाल से पालना चाहिए। यही हमारा एक धर्म है, यही हमारा एक कर्तव्य है और यही इंसानी है। तो देखते हैं यह संवादात्मक कहानी लक्ष्मी की, लक्ष्मी पाठ। अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर चार डंडे बरस दिए गए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उलझती कुत्ती गले की रस्सी तोड़ खूंदे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर उधर 2-4 दिनों में अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए तो उसे रहा नहीं गया। वही प्रकाश चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर एक सिरहन सी दौड़ गई। ओ कंबत ने इतनी बेदर्दी से पीटा, उसकी बीबी रमजान बोली, लो छोटी जगह पर रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन यानी दवा मिला हुआ एक तेल गाय के पीठ पर लगा दिया। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा होकर हो अगर इस लाठी से तुम्हारे रहमान को दोनों हाथ से हाथ तोड़ दिया जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजान बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसी सजा उसे लाठियों से दी गई। रहमान ने गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता रहे। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार की यह कह दिया था तो आखिर बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपनी जख्मों पर तेल लगवाए रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे कारखाने भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बांधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी नाम रखा था। अथेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसे घर की जरूरत पूरी होने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञानसिंह का एक धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञानसिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी कि लक्ष्मी की वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन की रह गई तो करामत अली ने कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी के तुम्हें सौंप दो तो क्या उसे स्वीकारोगे आप? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेगी और पूछ पूछ भला इसे बड़ी खुशनसी मेरे लिए और क्या सकती है।
करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई असर नहीं छोड़ रही थी। करामत अली लक्ष्मी के पीठ पर रोगन लगाने के बाद इंतजाम नहीं हुआ, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। कलामत अली को लगा जैसी कहना चाहिए जैसी कहानी चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर नहीं कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजान बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो उसका क्या करेंगे, क्या घुटे से बांधकर इसे खिलाते पिलाते रहेंगे, जानवर है बंदा है तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में तीन साढ़े तीन महीने का खर्चा आता। सो तो कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजान की बात विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देती तो उसका क्या करेंगे, यही ख्याल तो उसके मन में आया नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुक्त से खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ नईम ने उसे कुछ परेशानी से देखता हुआ पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हैं, खरीद तो है, ऐसी कोई विशेष नहीं बात नहीं है तो कुछ तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है तो कुछ तो होगा, क्या बताओ गाय ने दूध देना बंद किया, बूढ़ी हो गई, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इस परेशानी होने की क्या ज़रूरत है, गाय को बेच दो। इस पाठ में एक गाय की अवस्था कैसी होती है इन लक्ष्मी पाठ में देखेंगे। एक गाय रहती, उसका नाम एक लक्ष्मी है। उन लक्ष्मी को रहमान ने पीटा, जो कर्मतलिका का एक बेटा होता है। कर्मतलिका यानी गाय का मालिक। रहमान ने गाय को पीटा देता है। गाय को रहमान ने ऐसा पीटा देता है क्योंकि गाय दूध नहीं दे रही थी, इसलिए रहमान ने गाय को पीटा। इसके कारण गुस्से में आकर गाय को पीट देता, जिसके वजह से गाय को बहुत गहरी चोट लग जाती और वो रुमझम से बैठ जाती। बाद में कर्मतलिक उसके पास जाता और हाथ पुश करता है और माफ़ी मांगता है, गाय मुझे माफ़ कर दो, रहमान अभी बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं है। तभी उसकी बीबी अंदर से आती और गाय को लेप लगाती, मतलब गाय को एक दवा देती ताकि गाय को आराम मिले। कर्मतली गुस्से में कहते हैं, काश तुम्हारे दोनों बेटे को इस लाठी से तोड़ दी जाए तो, जिससे उसने लाठी से गाय को मारा है। बाद में उसकी बीबी बोलती है, उसको जो बेटा है रमजानी, उसको बहुत बुरा लगता है। अब तो वो बोलती है, गाय तो दूध नहीं दे रही। तो करमत अली बोलता है, अभी क्या किए जाए। वो बोलती है, गाय को बेच दो। ओ बिना बोले सके निकल जाता है। दूसरे दिन वो दफ्तर के लिए निकलता है, तो दूसरे दिन दफ्तर के जाता है तो उसके पुरानी बातें याद आती हैं। जब उसका दोस्त पुराना उसका नाम है ज्ञान सिंह, उसने उसके पास गाय सौंपी दी। वो कहकर, तुम इस गाय को सेवा करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सिंह अभी रिटायर हो चुके थे और उनके कंपनी का घर जो मिला था उसको छोड़ना था। वो साथ लक्ष्मी को भी नहीं ले जा सकता। इसके लिए उन्होंने अपने जो दोस्त था कर्मतली को अपनी गाय और लक्ष्मी पहले बहुत सारा दूध देती, इतना दूध देती थी कि पूरे मोहल्ले में बांट दिए जाए, घर के उपयोग होने के बाद पूरे मोहल्ले में बांट दिए जाए। उसके बाद जब सोचते सोचते वह दफ्तर पहुंचता गया तो कर्मतली का दोस्त नई पृष्ठा भाई क्यों परेशान हो, तो बोलते हुए कहा, जो गाय है वो दूध भी नहीं दे रही और उसको अभी खिलाना पड़ता है, तो अब उस गाय का क्या करें। दूसरे दिन कर्मतली का एक काम करता एक गाय को बाहर ले जाता और किसी के मदद से गांव में को छोड़ देता।
वह गाय क्या करती है, वह घास खा लेती है जिसकी वजह से गाय को खींचते हुए लापता है। और रामजनी को पूछता है कि वह गाय है, दूसरे ने मेरा सारा घास खा लिया है। और गुस्से में यह बोलता है, अगर मुझे यह दिखी तो मैं उसे तकरार कर दूंगा, जो गाय को बेचता है उसे गाय को बेच दूंगा। जो रामजनी रहता है उसे चुपचाप सुन लेता है। बाद में कर्मतली घर से आता है और रामजन को पूरा किस्सा बताती है। तो रेमान बोलता है, गाय को बेच दिए जाए।